लैप ज्वाइंट का केस है। लैप का मतलब होता है कि एक प्लेट दूसरे के टॉप एंड बॉटम पे रख दी गई है, एक ऊपर है दूसरी नीचे है, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये दे रखा है इसका टॉप व्यू और ये एक्चुअली में मैंने आपकी मदद के लिए बना रखा है इसका थोड़ा सा 3D व्यू। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं फिर हम इसके सोल्यूशन बढ़ते हैं कि टू प्लेट्स आर जॉइंट बाई सिंगल ट्रांसफर डबल पैरेलल फ्लैट वेल। ठीक है भाई, लोड के जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम ट्रांसवर्स बोलते हैं और लोड के जो पैरेलल होता है उसे हम पैरेलल फ्लैट वेल बोलते हैं। मतलब पहली हाईलाइट करने की चीज़ मिल गई हमको कि इसका नाम क्लियर हो गया भाई कि सिंगल ट्रांसवर्स डबल पैरेलल फ्लैट वेल है। ठीक है, फिर परमिसिबल सियर एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड दे रखा है। ठीक है, एंड दैट इज 80 एंड 120। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोड, जिसे हम स्ट्रेंथ नाम भी दे सकते हैं, और कुछ डिस्टेंसेस दे रखी हैं, ये ट्रांसवर्स वाली 80 है, ये 100 है, ये CG है, और ये देखिए ये जो थिकनेस दे रखी है ये वही ट्राइंगल की थिकनेस है, और इसका नाम हम जानते हैं, अभी अभी हमने क्लियर किया था इसको, कि इसको हम लोग कहते हैं साइज। तो साइज ऑफ वेल्ड भी दे रखा है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला एक्चुअली वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, 3D में भी हमें समझ में आ गया कि ये देखो ये और ये पैरेलल है और ये वाला ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो एक बार ट्रांसवर्स है, दो बार पैरेलल है, और एक बहुत अच्छी बात ये है कि लोड जो है ना CG से पास कर रहा है, और लोड अगर CG से पास कर रहा है इसका मतलब है कि वो पूरे के पूरे वेल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हमें ये चिंता नहीं कि कपल्स वगैरह बनेंगे, बेंडिंग होगा या ट्विस्टिंग होगा। मतलब ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें क्या है ना कि बहुत अच्छी बात है कि CG से लोड पास कर रखा है, और अगर मैं आपसे कहूं कि CG के कोऑर्डिनेट बताओ, वैसे तो हमें वो वाला फॉर्मूला भी सीखा था जो लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा कि a1x1 a2x2 a3x3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 और सिमिलरली y बार में भी, लेकिन यहाँ देखो सिमिट्री है, और अगर सिमिट्री है तो थोड़ा आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमें ज़रूरत जो पड़ेगी वो हमें y कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस में सिमिट्री है, तो हम ये वाला तो तुरंत ही बता देंगे, इसका y कोऑर्डिनेट जो है 40 होगा, और x बार को आप चाहे तो उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि हमें कहीं भी, आपने लास्ट क्वेश्चन भी देखा कि x बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्चुअली में y बार की ज़रूरत पड़ती है, और वो सिमिट्री की वजह से हमें देख के ही पता चल गया दैट डिस्टेंस इज 40। ठीक है भाई, अच्छा कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये TB है और हमें इसके CG से लेना चाहिए, तो आंसर होना चाहिए था कि ये अगर 80 दे रखा है तो उससे 5 सब्ट्रैक करते। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं बार बार बोल लूँ कि लार्ज डिस्टेंसेज जो होती हैं उनके कंपेयर में हमें थ्रॉट को निगलेक्ट करना है। मतलब आप कहें कि ये डिस्टेंस जो है ना 42.5 होगी, या आप कहें कि अगर ये पूरा 80 उससे सब्ट्रैक कर देंगे तो ये डिस्टेंस 40-2.5 होगी, इस तरह की बातें मत सोचिए, हम सीधे सीधे इसको 40 लेंगे क्योंकि 2.5 निगलेक्टेड है, और ऐसा इसलिए मेरे भाई कि हमने पहले से ही बहुत सारे अजम्पशंस ले रखे हैं, और उन अजम्पशंस को मैं आगे बताऊंगा भी आपको। मतलब तो हमें क्या करना है, ये टी को कंपेयर टू 40 या 80 क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो ठीक है, सिंपली ये डिस्टेंस जो है एरिया वन की 40 है और नीचे वाले की भी 40 है। ठीक है, लीव इट, आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में इसके डिजाइन करने की बात करी गई है। ठीक है भाई, ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि प्रैक्टिकली हम सारे के सारे फ्लैट वेल्ड को, यस माय डियर, प्रैक्टिकली हम सारे के सारे फ्लैट वेल्ड को डिजाइन करते हैं सीयर से, चाहे वो पैरेलल हो और चाहे वो ट्रांसवर्स हो, और उसका रीजन क्या है मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं। उसका रीजन ये है कि अगर आप डेरिवेशंस को देखें, जो क्लास के डिटेल्स नोट्स में है, हम सारे डेरिवेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे उस डेरिवेशन को, कि जब आप पैरेलल की स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो पैरेलल की स्ट्रेंथ, जब कोई भी पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए आप डेरिवेशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आता है 0.707 T × L × tau permissible। ठीक है माय डियर,
ये आपको क्लास नोट्स में या किसी भी बुक में दिख जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आता है एट 45 डिग्री, ठीक है, ये आता है 45 डिग्री पे। और यही अगर आप ड्राइव करें पी मैक्स ट्रांसवर्स वाले के लिए, तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ आती है 0.828 टी इंटू एल इंटू टाउ परमिसिबल, और ये आती है 67 डिग्री पे। ध्यान सुनते हैं क्या भाई, ये आती है 67 डिग्री पे। और अगर आप इसको रीड करें अच्छे से, तो आपने ये समझ लिया होगा कि जो पैरेलल की स्ट्रेंथ है, डिवाइडेड बाई जो ट्रांसवर्स की स्ट्रेंथ है, तो हम देखेंगे कि जब इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये लेस देन वन आएगी। और एग्जैक्ट डेटा भी आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, और वो डेटा आपको मिल जाएगा कि पी मैक्स, मैं लिख भी देता हूँ, याद भी रखिएगा, पी मैक्स ट्रांसवर्स जो है वो लगभग 17% ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है पैरेलल से। बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में कवर करूँगा, आप मेरा क्वेश्चन का सॉल्व करना ही केवल नीड नहीं है, मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमने एक बात तय करी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, और वो कंक्लूजन ये है कि हेंस ऑल फ्लेट वेल्ड आर डिजाइन बाई, ऑल फ्लेट वेल्ड आर डिजाइन बाई अज्यूमिंग पैरेलल फ्लेट वेल्ड ओनली। पैरेलल फ्लेट वेल्ड मतलब हम सारे फ्लेट वेल्ड को पैरेलल मान के डिजाइन करते हैं, मतलब आज के बाद आप कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं देखेंगे, 0.828 वाला। ट्रांसफर्स की स्ट्रेंथ बतानी है तो आपका आंसर हमेशा सीधे सीधे एक लाइन में हो जाएगा, 0.707 टी इंटू एल इंटू टाउ परमिसिबल, मतलब जो स्ट्रेंथ पैरेलल की है वही ट्रांसफर्स की भी दे देनी है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भैया अगर पैरेलल है और ट्रांसफर्स है, तो अगर हमने स्ट्रेंथ या स्ट्रेसेस पैरेलल को मान के बताई, तो यार सीधी सीधी बात है कि जो स्ट्रोंगर है और उनमें से जो वीकर है, अगर वीकर सेफ हो गया तो ये स्ट्रोंगर वाला तो ऑलरेडी सेफ हो गया, मतलब इस दुनिया से ये 0.828 वाला फार्मूला गायब ही हो गया। मतलब स्ट्रेस बतानी हो, स्ट्रेंथ बतानी हो, हमेशा पैरेलल का फार्मूला 0.707 टी इंटू एल ही यूज करना है, और जो पैरेलल में यूज होना है वही ट्रांसवर्स में यूज होना है, ठीक है माय डियर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम पे एक बार फिर से, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर एक ही लाइन का बनता है कि सर ये लोड है, ये पैरेलल वियर करेंगे, ट्रांसवर्स वियर करेगा, सबकी डिजाइन सीयर से करते हैं, और आंसर लगता है एक ही लाइन में आ जाना चाहिए। तो मैं आंसर करता हूं कि पी मैक्स का आंसर होगा, देखिए ये कितना लोड बियर करेगा, आप कहेंगे सर इसका तो फॉर्मूला ही होता है 0.707 टी इंटू एल इंटू टाउ परमिसिबल, इसको L1 मान लेते हैं, वेल्ड वन, लेकिन ये L1 दो बार है तो इसमें क्या करते हैं, हम दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, और इसमें हम जोड़ देते हैं भाई ये और ये इतना लोड बियर कर लेंगे, लेकिन बाकी हिस्सा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये 0.707 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, टी इंटू एल टू इंटू टाउ परमिसिबल, क्योंकि हम जानते हैं कि डिजाइन हमेशा कोई भी फ्लेट वेल्ड हो वो सीयर में वीक होता है, और पैरेलल हो चाहे ट्रांसफर हो, फॉर्मूला 0.707 वाला ही लगता है। तो एक नज़र में हमें जो लगता है आंसर यही आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर जो उस क्वेश्चन का आया अभी तक वो आया, डेटा भर देते हैं यहाँ पे, कि 2 इंटू 0.707
टी टी दे रखा है हमको 5, और जो L1 है दैट इज 100 इंटू टाउ परमिसिबल, टाउ परमिसिबल है 80 प्लस 0.707 टी, एल टू बी है 80, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पी मैक्स का आंसर आ जाएगा एंड दैट आंसर इज इक्वल टू 79.18 इन किलोन्यूटन। ओके माय डियर, ये आंसर हो जाएगा और ये इसकी असली स्ट्रेंथ हमें आंसर करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई एक बहुत ट्रिकी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपको ये ऑप्शन कभी नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये इसका असली आंसर होना चाहिए लेकिन ये आंसर नहीं दिखेगा। इस बात को भी समझना है, इस बात को इसलिए समझना है कि अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक डेटा और दे रखा है और वो डेटा है टेंसाइल स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू दैट इज 120, और ये डेटा अगर इसने दे रखा है तो मेरे भाई जरूर वो चाहता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आप इसका कुछ यूज करें। तो पहले मैं पूरी बात कंप्लीट कर दूं फिर कंक्लूड भी करेंगे सारी बातों को कि अगर 120 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस दे रखी है तो ये आखिर दे क्यों रखी है, मैं आपको बताता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें, एक केस लें ट्रांसवर्स फ्लैट वेल का, एक केस मैं सेलेक्ट करता हूं ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड का, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड में जो फ्लैट है ये रहा फ्लैट और ये रहा साइज टी, और जो लोड की लाइन होती है मेरे दोस्त वो लोड की लाइन जो है इस वेल्ड के लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। मतलब मैं थोड़ा सा फ्लैट को 3D बना देता हूँ, फ्लैट को, ये रहा पूरा फ्लैट, ठीक है, ये रही उसकी लेंथ। एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, पर ध्यान से देखना होगा आपको, ठीक है। ये मैंने फ्लैट को अलग से बनाया है और लोड जो अप्लाई होता है वो ट्रांसवर्स के केस में इस डायरेक्शन अप्लाई होता है, क्योंकि लोड की लाइन जब लेंथ के परपेंडिकुलर होती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड, ठीक है मेरे भाई। और अगर हम कहें कि भाई फ्लैट वेल्ड जो है वीक होते हैं सीयर में, बात तो समझ में आ गई, और वो सीयर वाला डेरिवेशन भी हम कर चुके हैं कि जिसका आंसर 0.828 आता है, एक्चुअली वो डेरिवेशन आपके नोट्स में होगा क्लास के या फिर कोई बुक में होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियरिटी ला दूँ। क्या है क्लियरिटी भाई, कि अगर यहां पे हम थ्रॉट को ढूंढना चाहें, वो एरिया जो वीकेस्ट पोर्शन होगा एच, तो इस एच के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस पी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा पी, अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो एक तो होगा ये पी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा जो इसके पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा एंड दैट इज पी साइन थीटा, दैट इज पी साइन थीटा। अब आप देख लीजिए कि इस रेड वाले को जो थ्रॉट है इसमें पी कॉस थीटा कराएगा सीयर, मतलब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सीयर स्ट्रेस इंड्यूस एट एनी जनरलाइज प्लेन, क्योंकि हमें पता नहीं थ्रॉट कितने एंगल पे होगा, मैंने एक जनरलाइज प्लेन लिया है और वो आंसर होगा पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच एल। लेकिन अगर आपसे पूछूं क्या सिग्मा भी इंड्यूस होगी तो आपका आंसर होगा पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एच एल। अच्छा, मतलब ये समझ में आया कि ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड के केस में किसी भी जनरलाइज प्लेन में सीयर स्ट्रेस भी आती है और नॉर्मल स्ट्रेस भी आती है। अब अगर हम ढूंढना चाहें तो मैं एक लाइन और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि जनरलाइज है और हम मैक्सिमम में इंटरेस्टेड होते हैं, इसको अगर मैक्सिमम करना चाहते हैं टाउ इंड्यूस को,
तो हम क्या करते हैं इसमें मैक्सिमम न्यू लगा देते हैं। मैक्सिमम न्यू लगा देते हैं और एच की वैल्यू बाई ज्योमेट्री आप देख सकते हैं। एच की वैल्यू अगर हम इस डिस्टेंस को टी बोलते हैं तो आप ये 12th लेवल की ज्योमेट्री है, आप देख सकते हैं आएगा टी डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि टी से हम एच निकालेंगे क्योंकि एच इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑल्सो। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ एच की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। सो डी पी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन टी एल, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पुट कर देंगे जीरो। और जब आप ये करेंगे तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 22.5 degrees, या कह सकते हैं कि फ्रॉम वर्टिकल प्लेन से जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 67.5 degrees, जो मैंने आपको पहले बताया था। और जब आप ये डेटा यहाँ पुट कर देंगे, इस थीटा की वैल्यू को यहाँ दोबारा से पुट कर देंगे फंक्शन में, तो आप देखेंगे यहाँ से हमें जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मिल जाएगी, क्योंकि जब फंक्शन में आप दोबारा से थीटा पुट करेंगे और जब आप देखेंगे तो ये डेटा आ जाएगा आपका पी डिवाइडेड बाई 0.828 टी इंटू एल, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक्चुअली मैंने उसका ड्राइव भी कर दिया ताकि क्लियर हो जाए, लेकिन हम फिर कहते हैं कि ये स्ट्रेस मत मानो क्योंकि सबके डिजाइन क्या मान के करना है, पैरेलल मान के करना है। ठीक है मेरे भाई, ये तो हो गया सीयर से डेरिवेशन, लेकिन शायद आप यहाँ भूल गए कि ये वाला एरिया एक नॉर्मल स्ट्रेस में भी है, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस में भी है तो भैया उसकी भी तो मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है और इसे भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जीरो हो जाओ, देखेंगे थीटा की वैल्यू तो यहाँ से 67.5 degrees आ जाएगी, या कह सकते हैं कि फ्रॉम वर्टिकल प्लेन 22.5 degrees आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू जब आप फंक्शन में दोबारा थीटा डालेंगे तो इत्तेफाक से ये वैल्यू भी 0.828 टी इंटू एल ही आ जाती। यस माय डियर, बस प्लेन अलग होता है, इसका प्लेन है 67.5 degrees और इसका प्लेन है 22.5 degrees, या वर्टिकल से देखेंगे तो इसका 67.5 है, इसका 22.5 है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आता है। और थ्योरी ऑफ फेल्योर हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जहाँ नॉर्मल मैक्सिमम है वो प्लेन अलग है और जहाँ सीयर मैक्सिमम है वो प्लेन अलग है, इसलिए सेपरेट डिजाइन करो, या तो नॉर्मल से करो तो सीयर निगलेक्ट कर दो, या सीयर से करो नॉर्मल से निगलेक्ट कर दो, या नॉर्मल से करो सीयर निगलेक्ट कर दो। प्रैक्टिकली याद रख लें हमेशा निगलेक्ट करना है किसको, आपको सीयर को कंसीडर करना है, हमेशा नॉर्मल को निगलेक्ट करना है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस से डिजाइन नहीं करनी है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के चाहता है कि तुम सीयर निगलेक्ट करो नॉर्मल से डिजाइन करो, तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो फिर आप स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की वैल्यू बताएंगे पी डिवाइड बाई 0.828 × 12। तो एग्जामिनर कहता है भैया जब इतना अजम्पशन ले रखे हो तो एक और अजम्पशन ले लो, क्योंकि ये जो डेटा आया है ये डेटा वैसे ही 0.707 × 12 से ज़्यादा आया है। अगर ये डेटा 0.707 × 12 से ज़्यादा आया है तो अगर इसको बचाओगे तो ये तो अपने आप सेफ होगा। तो सीधे सीधे कहता है भैया अगर नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू भी ट्रांसवर्स में पूछी जाए तो आंसर वही कर देना है जो सीयर का होता है, मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है। और जब भी, अब आप समझ लीजिए ये डेरिवेशन मैंने इसलिए किया कि अगर आपसे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछता ट्रांसवर्स की तो आपका आंसर होता 0.707 × 12 इंटू सिग्मा परमिसिबल, क्योंकि इसे हम कम कर देंगे किससे, सिग्मा परमिसिबल से। मतलब यार सीधी सीधी बात यह है कि ट्रांसवर्स की डिजाइन दो तरीके की से करी जा सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथ दो तरीके से बताई जा सकती हैं, या तो सीयर स्ट्रेंथ बताई जा सकती है या
ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बताई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, प्रैक्टिकली हमेशा आपको जो है सीयर स्ट्रेंथ बतानी है या सीयर स्ट्रेस बतानी है। डिजाइन भी सीयर से होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। मतलब हम वो करते हैं जो एग्जामिनर हमसे करवाना चाहता है। एक्चुअली में वो जानना चाहता है कि आपको नॉर्मल वाला भी आता है। और मेरे भाई, अगर आपको मेरी बात समझ में आने लगी होगी कि ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपको दिया है ये इसीलिए दिया है, नहीं तो बेटा ये वाला डेटा ना देता, 120 मेगापास्कल डेटा ना देता। और हमने जो आंसर दिया है सीयर वाली स्ट्रेंथ का, एक्चुअली वो सही है, वही देना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वो ऑप्शन ही नहीं होगा। मतलब इसका जो हमें करेक्ट आंसर देना है वो हमें आंसर देना पड़ेगा कि भाई पैरेलल की डिजाइन तो सीयर से ही होगी, क्योंकि उसमें टेंशन आने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन ट्रांसवर्स की डिजाइन या तो सीयर से करनी है, प्रैक्टिकली हमेशा करनी है, तो लेकिन कभी कभी हम नॉर्मल से भी कर सकते हैं, तो यहां सिग्मा भर देंगे। मतलब दो दो आंसर आ गए, एक तो दोनों की डिजाइन सीयर से करनी है, फाइनली हम कंक्लूजन पे हैं बेटा, जब आपने ये सॉल्व किया, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर आया आपका 79.18 किलो न्यूटन। यहां भी डेटा भर देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? L1 इज 100, T इज 5, L2 is 80 and that is 120। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस डेटा को, तो आप देखेंगे आंसर आएगा 90.49। अब मामला वहीं फंसा है कि भाई आंसर देना किसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कन्वेंशनल क्वेश्चन है। आपको रिटेन में आंसर देना है, तो या तो आंसर 79.18 होगा या आंसर 90.49 होगा। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, जितनी भी बुक्स हैं उनमें सब ने ये वाली डिजाइन ही प्रेफर करी है कि जब भी वेल्ड के केस में, ट्रांसफर्स के केस में परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस दी जाए, तो आप एग्जामिनर चाहता है आपसे कि आप उसकी डिजाइन टेंशन से करें। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर मेंस का क्वेश्चन होगा तो आप पूरी बात समझा सकते हैं, दोनों केस समझा सकते हैं, और मेंस के प्रॉब्लम में आप बोल सकते हैं कि यही इसकी असली स्ट्रेंथ होगी। लेकिन जब भी ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल डेटा भी भरने का क्वेश्चन आए, तो हमेशा बुक से पुट होगा, और बुक ने हमेशा यही समझाने की कोशिश करी कि डिजाइन टेंशन से भी हो सकता है। तो मैं साफ साफ बोल दूं कि मेंस में तो आप पूरा डेरिवेशन समझा सकते हैं, आप आंसर फाइनल ये कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर तभी करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना हो, न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चन ना हो, कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो। यही इसकी असली स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि असली स्ट्रेंथ वही होती है जो दोनों में से मिनिमम हो। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आए या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आपको हमेशा यही आंसर दिएगा। उसका रीज़न बेटा ये है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये नहीं करवाना चाहता तो आपको कभी भी 120 नहीं देता। तो जब भी, मेरा सजेशन है कि जब भी सिग्मा परमिसिबल दे रखा हो तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, और जो कि ट्रांसफर्स की डिजाइन है वो आप टेंशन से कर दें। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बस ये न्यूमेरिकल के लिए है, थ्योरेटिकल एनालिसिस के लिए। तो ध्यान रखिए कि एक अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करके गया। मतलब मेंस में हम असली स्ट्रेंथ आंसर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्टिव में या भरने वाले क्वेश्चन में अगर सिग्मा दे रखा है परमिसिबल वाला, तो इसीलिए दे रखा है कि वो चाहता है, जानना चाहता है कि तुम्हें आता है टेंशन कि नहीं। बाकी आपके सामने सलूशन है। सो माय डियर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।